आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना COVID-19 की दूसरी लहर एक बार फिर आती दिख रही है। महाराष्ट्र प्रदेश में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। सिवनी जिला महाराष्ट्र के नागपुर से लगा हुआ जिला है। नागपुर जिला और सिवनी जिले की सीमाएं लगभग एक दूसरे को स्पर्श करती है, इस लिहाज से सिवनी में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा जबलपुर संस्कारधानी जबलपुर भी सिवनी जिले की सीमा से लगा हुआ है, इस लिहाज से कोरोना के मामले में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जिला कलेक्टर सिवनी के फेसबुक वॉल पर एक फ़ोटो लगाया गया है। इस फोटो में दुकान के बाहर बैठे एक सज्जन बिना मास्क के बैठे हुए दिख रहे हैं। जिला कलेक्टर को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर बिना, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, बिना मास्क लगाए व्यक्ति की फ़ोटो इसमें आखिर कैसे चस्पा कर दी गई। बहरहाल सिवनी में, जिले भर में, विशेषकर जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालयों में चालान करने की बहुत ज़रूरत है। जो मास्क लगाए बिना चल रहे हैं उनका चालान होना चाहिए। इसके अलावा जो भी ऐसे विभाग हैं जहां ज़्यादा काम नहीं है उनके अधिकारियों को पाबंद करना चाहिए कि वे इस समय जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनका चालान करें। आप देख सकते हैं भीड़भाड़ स्पष्ट रूप से शुक्रवारी में भी दिख रही है। शुक्रवारी बाज़ार का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। देखा जाए तो सिवनी में जिस तरह से मास्क और शारीरिक दूरी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वे सारे दिशा निर्देश ऐसा प्रतीत होता है मानो कागजों पर ही उनका संपादन किया जा रहा है, उन्हें कागजों पर ही पूरा किया जाता जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में बहुत जरूरत है इस समय रैंडम टेस्टिंग की, टेस्ट लगातार कराए जाएं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट रैंडम टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर को चाहिए कि वे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मशकें कसें और उन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दें, और न केवल दिशा निर्देश दिए जाएं वरन उनका फॉलोअप भी लिया जाए कि कहाँ टेस्टिंग किसकी की जा रही है, और साथ ही नगर पालिका सहित अन्य लोगों, अन्य विभागों की भी फॉलोअप लिया जाए कि वे क्या कर रहे हैं। आखिर ये देखिए, आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ साइकिल खड़ी हैं, दोपहिया वाहन खड़े हैं। इस तादाद में अगर कहीं कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग जुट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उचित किसी भी दृष्टिकोण से नहीं माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। सिवनी में 20 मार्च पिछले साल 2020 में 21 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन लगाए हुए लगभग एक साल बीतने को आया है और सिवनी में किस तरह से कोरोना COVID-19 से निपटने की तैयारियां की गई हैं, एक साल भर में किस तरह से यहां पर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई गई है, जागरूकता भी किस स्तर पर यहां फैलाई गई है, इस बारे में भी एक बार मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। सिवनी के दोनों सांसद और चारों विधायकों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिवनी जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर दोनों सांसद, चारों विधायक प्रशासन के साथ
बैठकर उन्हें चाहिए कि कम से कम 15 दिन एक एक पखवाड़े में एक बैठक करें, स्थितियों की समीक्षा करें। इसके साथ ही एक सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस सब का ये भी निकल कर सामने आया है कि साल भर में कोरोना COVID-19 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक भी पत्रकार वार्ता का आयोजन नहीं किया गया है। लंबे समय तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जब ये मांग उठाई गई कि बार बार ध्यान आकर्षित कराया गया लंबे समय तक कि कितने मरीज यहाँ पर, कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितने लोगों को कोरोना COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, कितनों का निधन हुआ है, तो लंबे समय के उपरांत जब डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग सिवनी में जिलाधिकारी के रूप में पदस्थ हुए, उनके आने के बाद इस तरीके की विज्ञप्तियां जारी होना आरंभ हुई, जबकि आसपास के जिलों में लगातार ही इस तरीके की जानकारी दी जा रही थी। डराना किसी का मकसद कतई नहीं होगा, पर जो वास्तविकता बताकर लोगों को जागरूक जरूर किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में ज़रूरत इस बात की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग की जाए, विभाग के अधिकारी जाएं और जो मास्क नहीं लगाया हुआ हो उसका बाकायदा चालान काटा जाए। जो भी दिशा निर्देश SOP जारी की गई उनका पालन हो रहा है अथवा नहीं, इस बारे में भी देखना बहुत जरूरी हो गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, वीडियोज, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।